अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लिबर्टी चौक। मेरा नाम है सैयद अली। आज का शो जो है बड़ा इंटरेस्टिंग शो होगा, एक ऐसी नौयत का होगा शो जो हमने अभी तक शायद पहले नहीं किया। आपको पता है सारों को कि इलेक्शंस आने वाले हैं। 2013 मई में पिछले इलेक्शंस हुए थे और अब नए इलेक्शंस की तरफ जो है सारों की नज़र है। आपके सामने ही सारे पॉलिटिकल प्लेयर्स भी एक्टिवेट नज़र आते हैं आपको। इट इज़ ए क्रिटिकल टाइम एंड द रिजल्ट्स ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मोस्ट पीपल। लिबर्टी चौक में हम लोगों का जो है एक एम्फेसिस जो है वो ये भी है कि हम नए पॉलिटिशियंस, नए पॉलिटिकल प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करें, उनके ख्यालात को समझने की कोशिश करें और अपने व्यूअर्स तक उनके ख्यालात पहुंचा सकें, सो दैट यू कैन मेक योर डिसीजंस फेयरली एंड स्क्वेयरली। आज के शो में वी हैव अ वेरी नोटेबल पर्सनैलिटी, मेजर जनरल नूर हुसैन। ही इज़ तमगा, ही सितारे बिसालत, हिलाले इम्तियाज़, ए मैन ऑफ द इन्फेंट्री and has been associated with Army Welfare Trust, social work ke saath saath. He is now the prospective, he is now the upcoming candidate on NA-72 Sialkot for the Pakistan Tehreek Insaf. Aur inke, it will be an interesting interview because inke, I think khayalat se most of our viewers would not be very familiar. So without further delay, General Saab, Assalamu Alaikum, welcome to Liberty Talk. Thank you very much. I'm so grateful you invited me for this Liberty Chalk show. So, General Saab, आप मुझे बताएं, ये आपने दो ब्रिगेड कमांड किए सियालकोट के अंदर, आप कारगिल वॉर के अंदर रह चुके हैं, यू आर थ्रू एंड थ्रू मिलिट्री मैन, इन्फेंट्री से आपका ताल्लुक है, इन्फेंट्री इज हार्ड कोर और तो किसी से, लेकिन अब पॉलिटिक्स कैसे, क्यों? राइट, देखिए अली, आप ये कह लें कि कुछ करने की धुन मुझे इस फील्ड में ले आई। बाकी आई एग्री के प्लेन इन्फेंट्री, बट देन इट मीन्स लीडरशिप, राइट? बिकॉज यू हैव टू लीड योर मैन टू द फ्रंट ड्यूरिंग द वॉर, विच अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन सक्सेसफुली, राइट? सो आई होप आई कैन ऑल्सो नो लीड माई पीपल, people of the area, I can contribute, I can do something for them. So that is the spirit which has really brought me to the political arena. So, General Saab, मैं आपका देख रहा था, थोड़ा सा profile देख रहा था, and I believe कि आपका जो है social welfare type कामों में काफ़ी ज़्यादा interest है। आप मुझे बताएं कि अभी आप एक political idea को लेकर आ रहे होंगे सामने, आपके कुछ goals होंगे, personal goals होंगे, कुछ बयान कर सकते हैं इस बारे में आप? जी बिल्कुल, देखें जहाँ तक सोशल वेलफेयर का ताल्लुक है, आई बिलोंग टू रूरल एरिया और उसमें काफ़ी लोग आप कह लें थोड़ा माशी तौर पे अदरवाइज दबे हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि आई शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ देम एंड यू नो प्रोवाइड देम सम रिलीफ उस जो सूरत हाल से वो दो चार हैं, और कुछ ना कुछ मैं उनके लिए हर स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह वट एवर वन कैन डू इन वंस हम्बल कैपेसिटी इवन ड्यूरिंग सर्विस आई बीन डूइंग दैट। फिर साथ ये भी हुआ कि सिंस आई गॉट रिपीटेड पोस्टिंग दैट सियालकोट एज यू ऑलरेडी मैंशन, तो उसमें मुझे काफ़ी मौका मिला टू बी वेरी क्लोज टू द पीपल, टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड इशूज़, एंड उस वक्त भी जो भी हम कर सकते थे वो हमने कोशिश की करने की। और जब मैं रिटायर हो रहा था तो मैंने एक वेलफेयर ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया और उसके साथ ही मैंने वहाँ पे कुछ सोशल वेलफेयर के काम करने शुरू कर दिए। जैसे मैंने वहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा कम्युनिटी सेंटर बनाया हुआ है, बिकॉज़ हमारे गांव में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे लोग अपने कोई खुशी गमी या और इस किस्म के ओकेजन्स को सेलिब्रेट कर सकें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक वहाँ पर उनके लिए कम्युनिटी सेंटर फ्री ऑफ चार्जेस, फ्री ऑफ एनीथिंग बनाया हुआ है। फिर मैंने उसी जगह पे पिछले साल, और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक साल पूरा कर गया, मैंने एक वहाँ पे छोटा सा स्कूल शुरू किया जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अपग्रेड करेंगे। पहले हमने क्लास 1 to 5 शुरू किया, अभी इस साल से ज़रा 6 क्लास आ गई और इंशाल्लाह ये आगे चलेगा। और यही चीज़ देखते हुए जब लोगों ने मुझे ये काम करते हुए देखा, एक्चुअली दे इंसिस्टेड दैट आई मस्ट यू नो जॉइन पॉलिटिक्स ताकि उन लोगों को रिलीफ दिया जा सके फ्रॉम दी प्रेजेंट सिस्टम। अच्छा, फिर बताइए ख्वाजा आसिफ साहब की कंस्टिट्यूंसी है या दूसरी कोई? नहीं, ये ख्वाजा आसिफ साहब की कंस्टिट्यूंसी नहीं है,
بلکہ ہماری کانسٹیچوئنسی کو کافی شہرت دی ہے. اٹ از ریئلی ان ٹو دی لائم لائٹ بیکاز ہمارے سٹنگ ایم این اے جو ہیں وہ زاہد حامد صاحب ہیں. آل رائٹ تو یہ تو پھر ایک بڑا پروسپیکٹو آئی تھنک از دا جی انشاءاللہ بالکل. آل رائٹ سو ویری انٹرسٹنگ. اب تھوڑا سا جو ہے آئیڈیاز کی طرف جاتے ہیں. نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہوگی این اے 72 ہوگی. بالکل. اور این اے 72 از اے سٹی جس کے اندر سیالکوٹ از اے سٹی جس کے اندر بہت سارے میجر کام جو ہیں وہ بزنس سیکٹر جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے. اس میں سے ایک ہے ایئرپورٹ جو سیالکوٹ کا ایک اٹس اے ویری فیمس ایگزامپل آف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. تو آپ اور آپ خود بھی سیالکوٹ سے ہیں, یو آر انٹریکٹنگ ود دا پیپل. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل ہے, از دس اے دی وے ٹو گو؟ از دس دا فیوچر؟ وائل آئی وی ناٹ بی ایبل ٹو کمنٹ کہ از اٹ دی فیوچر, بٹ لیٹ می ٹیل یو کہ سیالکوٹ کے لوگوں نے ابھی, خیر سیالکوٹ شہر میرے حلقے میں نہیں ہے, رائٹ, آئی ایم آؤٹ سائڈ دیٹ, بیکاز بیسیکلی میرا حلقہ جو ہے وہ تحصیل پسرور پہ مشتمل ہے. آل رائٹ. جس کے اندر لیٹس سے پسرور اٹ سیلف از اے مڈل سائز ٹاؤن اینڈ اسمال سائز ٹاؤن لائک چونڈا, چوبارہ, بڈیانہ, یو نو سم پلیسز لائک دیٹ. ایز فار ایز پیپل آف سیالکوٹ آر کنسرنڈ اینڈ دی بزنس, اور جو آپ نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی بات کی, آئی تھنک اٹس اے ویری سکسیزفل ماڈل. آئی ریممبر کہ میں ایز بریگیڈ کمانڈر جب ادھر تھا تو لوگوں نے ایک کام شروع کیا تھا, اس کو کہتے ہیں سٹی پیکیج. اس کا مطلب یہ تھا کہ سم پرسنٹیج آف دی ایکسپورٹس دیٹ پیپل, یو نو, جو بزنس والے لوگ تھے, دے ول کنٹریبیوٹ فار دی ڈیولپمنٹ آف دی سٹی ایز سٹی پیکیج, اینڈ میچنگ گرانٹ ول بی پرووائڈیڈ بائی دی گورنمنٹ. اس کے اندر میں اس مطلب کافی اچھے کام ہوئے سیالکوٹ کی روڈز اور یہ وہ, کافی ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے. پھر آگے آپ چلے جائیں, سیالکوٹ ڈرائی پورٹ ٹرسٹ سمریال میں بنا ہوا ہے, وچ پرابلی اٹ سیمز ایز یو آر ناٹ اویئر آف دیٹ. بہت زبردست پروجیکٹ ہے اینڈ اٹ از ڈوئنگ ویری ویل. اگین اٹ از اے پرائیویٹ ٹرسٹ, رائٹ. ایز فار ایز سیالکوٹ ایئرپورٹ از کنسرن, سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ, اٹس اے کمپنی میڈ بائی دی پیپل اینڈ پرابلی اے ویری سکسیزفل ماڈل of public private partnership. مجھے بتائیے گا, اب نیشنل اسمبلی کے اندر آپ اگر آپ الیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کیا, آپ کو لیجسلیشن کا کہا جائے گا, اور اس کے بیونڈ جو ہے ایگزیکٹو پاورس تو ایک پارلیمنٹیرین نہیں ایکسرسائز کرتا. پہلے تو مجھے بتائیے کہ ڈو یو ہیو ایمبیشنز فار اینی ہائر آفیسز ود ان پارلیمنٹ کے, وڈ یو لائک ٹو بی جسٹ فنکشننگ ایز اے پارلیمنٹ, اور آپ اس ملک کے لاس کو امپروو کرنا چاہیں گے, یا وڈ یو لائک ٹو ٹیک مور ریسپانسبلٹی؟ وٹ ایور responsibility is assigned by the leadership, obviously, because I am part of a party, and I would say probably the only party which at least is thinking of Pakistan, led by Imran Khan sahab. So whatever responsibilities are assigned to me, inshallah I will try to deliver. ٹھیک. آپ کا ایک جو ہے آپ کے ایکولیڈز میں سے, آپ کے پاس میں سے ہے, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ آپ نے ٹائم گزارا. تو آرمی ویلفیئر ٹرسٹ از اے ویری انٹرسٹنگ آرگنائزیشن. دے آر ورکنگ تھرو پرائیویٹ سیکٹر, تھرو مارکیٹس آلسو ٹو پرووائڈ ویلفیئر, اینڈ یہ ماڈل جو ہے ہمیں شاید نہیں نظر آتا ملک کے اندر کہیں اور جگہ پہ. اور ہمارے پاس بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, گورنمنٹ نے منیمم ویجز بھی انکریز کرنے کی کوشش کی, اور اس کے تھرو بھی کسی طریقے سے انکمز کو بڑھانے کی کوشش کی ہے. لیکن آپ اگر سوچیں گے کہ اس ملک کے اندر ویلفیئر لیکنگ ہے, سوشل ویلفیئر کی سروسز لیکنگ ہے, آپ کے خیال میں اب فیوچر کیا ہے؟ فیوچر میں سوشل ویلفیئر کس طرح پرووائڈ کرنا چاہیے کہ سارے پاکستانیوں تک پہنچ سکے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے کیونکہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ میں 3 سال کام کیا ہے, اور فوجی فاؤنڈیشن کا ماڈل بھی ظاہر آپ دیکھتے رہتے ہیں بیکاز آپ کے کولیگز ہی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ماڈل, اور جو آرگنائزیشنز یا افراد انڈیویجولز ویلفیئر میں آنا چاہیں, دے مسٹ فالو دس. آئی مین دے مسٹ کریٹ سم اپرچونیٹیز تھرو سم پروجیکٹس, دے جنریٹ فنڈز آؤٹ آف دیٹ اینڈ دین لک آفٹر دی نیڈی پیپل. آئی تھنک دیٹ از اے ویری سکسیسفل ماڈل. یہ جو ہمارا نا ٹوٹل زکات والا کانسیپٹ یا ٹوٹل ڈونیشنز والا کانسیپٹ, یہ ٹھیک نہیں ہے. ویل سیڈ. اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر کے اوپر آپ کا ایک ہے نظر, یو سیڈ کہ آپ نے ایک اپنے ایریا میں کمیونٹی سینٹر
खोला और उसके बाद फिर एक स्कूल की तरफ भी है. बट लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन फॉर लिटिल व्हाइल. एजुकेशन का भी एक इस मुल्क में इशू है. एक तो कि जनरली एजुकेशन लिटरेसी जो है वो थोड़ी सी कम है कंपेयर टू आर नेबर्स ऑल्सो, और उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की भी बात होती है कि इवन दैट्स नॉट अप टू द मार्क, और फिर विमेंस एजुकेशन की बात होती है कि वो भी नॉट टू द स्केल दैट वी नीडेड टू बी. तो आप एजुकेशन में पाकिस्तान का फ्यूचर किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ पर्सनल गोल्स हैं एजुकेशन के बारे में, लेकिन डू यू थिंक कि ये एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन प्रोवाइड करना, या गवर्नमेंट को इस काम में से निकल जाना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए. देखें, मैं बुनियादी तौर पे जब शुरू की जो एजुकेशन है वो एक टार्ट स्कूल से शुरू की, बिकॉज हमारे गांव में टार्ट स्कूल ही था उस टाइम पे, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. ठीक है, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ दैट. फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि एट दैट टाइम देखें बिल्डिंग्स नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं थे, लेकिन लोग बड़े सिंसेयरली डिवोशन के साथ काम करते थे, एंड बच्चे आते थे, टीचर्स पढ़ाते थे. फिर वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ कि ट्यूशन्स और ये और वो इस तरह के काम शुरू हो गए, जिसके अंदर लोगों ने, असातिज़ा ने बच्चों को स्कूल में से पढ़ाना छोड़ दिया, प्रैक्टिकली छोड़ दिया, और एक सिस्टम चल पड़ा प्राइवेट स्कूल्स का. देखें, अभी प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, ठीक है, दे आर डूइंग अ गुड जॉब आई मस्ट से, लेकिन बहुत सारी जगहों पे दे आर बेसिकली कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, दे आर मेकिंग मनी. ठीक है, जो कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो दैट वहाँ पे आता है सवाल कि गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी आ जाती है. आई थिंक जो मॉडल PTI ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK में किया है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैन यू आल्सो एक्सप्लेन? मे बी मुझे बहुत ज़्यादा इनसाइट उसके अंदर नहीं है, बट आई थिंक दे हैव रियली ब्रॉट अ रेवोल्यूशन देयर एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, एंड आई थिंक देयर इज लॉट दैट कैन बी डन. मतलब इन्हीं स्कूल्स को जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं, वी ओनली नीड टू मे बी रेगुलेट देयर सिस्टम्स. उसको कोई देखने वाला हो, कोई लोकल लोगों को बीच में डाल के कोई कमिटीज़ बनाई जाएँ, दे ओवरसी के स्कूल्स अपने टाइम पे शुरू हों, क्लासेस पढ़ रहे हों, बाकी चीज़ें चल रही हों. एंड आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि लोगों को थोड़ा सा इस जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए, ऑल दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस, पेरेंट्स एज वेल एज टीचर्स, कि वो बच्चों को ध्यान से स्कूलों में भिजवाएं, और द टीचर्स और द स्टाफ एट द स्कूल्स मस्ट डिलीवर वो बच्चों. जनरल साहब, थैंक यू. अभी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है हमारा इंटरव्यू, हम कंटिन्यू करेंगे. वी विल टॉक मोर अबाउट द इश्यूज दैट एवरीबडी केयर्स अबाउट, और जो हमें आगे जाके फ्यूचर में अफेक्ट करेंगे, एंड स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इलेक्शंस. सी यू इन अ बिट. थैंक यू सो मच. वेलकम बैक जी. जनरल साहब, जनरल नूर हमारे साथ आज शो के अंदर हैं, और हमने अभी उनसे काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात की, एंड लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन. अब जनरल साहब, आपने कहा कि बिजनेसेस के लिए प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं मुल्क में, एंड इट नीड्स टू बी रेगुलेटेड बेटर. अब बिजनेस इन्वायरमेंट में आई थिंक जो व्हाट एवरीबडी मे बी कंप्लेन्स अबाउट, इसके बार बार जो है ना कोई रेड टेप आ जाती है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल आ जाता है. ये भी आई गेस एक रिफॉर्म रिलेटेड एरिया अगेन, वुडंट यू से? देखें, मैं समझता हूँ कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, अगर वहाँ पे अच्छे लोग बैठे हों जो रुकावटें ना खड़ी करें. यू नो, यहाँ पे जो इस वक्त माहौल नज़र आता है वो ये होता है कि आप हर्डल्स खड़ी करते हैं, एंड देन यू ट्राई टू रिजॉल्व, बड़ा एहसान करते हैं, लेकिन एहसान कैसे करते हैं? बेसिकली यू आर फोर्सिंग पीपल टू ब्राइब यू. राइट, ठीक है ना? अगर ये एक अप्रोच ख़त्म हो जाए तो थिंग्स कैन बी पुट राइट. देखें, रेगुलेट करें आप हर चीज़ को. मतलब लेट्स से एक प्लाजा आपने बनाना है, अच्छा भी उसकी पार्किंग ठीक हो, उसके बाकी चीज़ें ठीक हों, उसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ हों. लेकिन होता क्या है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सब कुछ है, बट ऑन ग्राउंड अप्रूव कुछ होता है, बंद कुछ जाता है, एंड दिस एवरीवेयर.
जनरल साहब, इसमें एक वैसे नॉर्मली बड़ा ट्रेड ऑफ आता है, लोग कहते हैं कि जितने ज़्यादा रूल्स होते हैं उतनी ज़्यादा करप्शन की भी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आ जाती हैं। सो काफ़ी गेस्ट जो हमारे प्रीवियसली एक्सपर्ट्स आए हैं शो पर, उन्होंने सिंप्लीफिकेशन की बात की है कि जी हमें एक सिंप्लीफाइड मॉडल की तरफ जाना चाहिए, रेगुलेशन कम हो लेकिन इफ़ेक्टिव हो, टैक्सेस कम हो लेकिन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो, और स्पेंडिंग भी इस तरह कम हो लेकिन इफेक्टिवली स्पेंडिंग हो। वुड यू से कि आई थिंक दैट्स अ करेक्ट अप्रोच, बिल्कुल ठीक है। मतलब देखिए, जो बेसिक्स हैं दे मस्ट बी केटर्ड फॉर इन एवरीथिंग। मतलब देखना, एनवायरनमेंट है, जैसे मैंने पार्किंग की बात की है और बाकी फैसिलिटीज़ हैं, ये सारा कुछ मतलब ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन के, बिकॉज रूल्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, वो कहीं ना कहीं पे शॉर्ट सर्किट उनको किया जाता। अभी अब आपने मैं आई थिंक आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अब कह रहे हैं कि जो पुरानी साइकिल है या पुराना सेक्शन ऑफ पॉलिटिशियंस है, ये भी चेंज होने को जा रहा है इस इलेक्शन के अंदर। बहुत सारे नए लोग, नए फेसेस आएंगे, बिल्कुल आपकी तरह हम देखते हैं कि कराची के अंदर जिब्रान नासिर साहब हैं, जिन्होंने अब अपने एंड पे जो है एक्टिविटीज़ लीड करना शुरू किया, एंड ही विल ऑल्सो बी कैंपेनिंग पार्लियामेंट के लिए। अब आप फॉर पीपल हु आर वांटिंग टू जॉइन पॉलिटिक्स, आप कोई कुछ कहना चाहेंगे, उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे? डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि अच्छे लोगों को ज़रूर आना चाहिए। देखें, लेट्स से मैं आया हूँ ना, तो मुझे शुरू में लोगों ने बहुत डराया, अभी भी हमारे मेरे जो साथी दोस्त अहबाब हैं वो सब कहते हैं कि ये तूने क्या डिसीजन किया है, ठीक है। बट आई टेल देम कि देखें, एक है कि आप टीवी लॉन्चेस में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के यू आर क्रिटिसाइजिंग, यू आर क्रिबिंग, अपना खून जला रहे हैं, दिल जला रहे हैं। दूसरा है कि आप इस मैदान में आ जाएं, अच्छे लोग आएंगे तो थोड़े दूसरे लोग साइड पे होंगे। अगर आप ये फील्ड उनके लिए छोड़ देंगे और अच्छे लोग नहीं आएंगे, देन वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी पॉजिटिव थिंग। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। दैट मीन्स अगर अच्छे लोग इस फील्ड में नहीं आते, दैट मीन्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू चेंज पाकिस्तान और टू ब्रिंग एनी पॉजिटिव चेंज, ठीक है। सो देखे, इस फील्ड को, पॉलिटिक्स को इतना बदनाम कर दिया गया है, पीपल हैव बीन टेलिंग मी कि सर किधर आ गए, आपने तो अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारी, हमें देखे हम कब से ख्वार हो रहे हैं, आप किधर ख्वार होने के लिए आ गए। मेरा मतलब ये कहने का है, जो मौजूदा साइंसदान या जो भी सॉरी पॉलिटिशन जो हैं, सियासतदान जो हैं, उन्होंने ना ऐसे डरा के रखा हुआ है कि कोई अच्छा बंदा इस तरफ देखे ही नहीं, ताकि अच्छे लोगों के लिए शजर ममनू हो। समझ गए आप? आपने इस सोच के ऊपर, यू हैव टू ओवरकम दिस थिंकिंग एंड पीपल हैव टू टेक, मैं कहूँगा कि दे हैव टू बी बोल्ड एनफ, करेजस एनफ टू गेट इन टू दिस फील्ड, ओनली देन दे कैन ब्रिंग सम चेंज। आर यू इन फेवर ऑफ यंग पीपल जॉइनिंग पॉलिटिक्स? ओह यस, व्हाई नॉट, बिकॉज दे आर आवर होप। एक्चुअली मुझे याद है कि मैं तो यंग ऑफिसर्स और नए लोग, आई फील दे आर फार मोर टैलेंटेड and they are better than you know people of our generations, because ab imagine kare, look at the access to knowledge and technology that they have. I mean dekhiye, hamare waqt mein to aapko cheeze dhoondni padti thi, ab to har cheez aapke haath mein hai. I mean you are far better informed, you are far more aware of the things. तो आई फील के उनको बिल्कुल इन्वॉल्व होना चाहिए और बहुत अच्छे हैं वो, दे आर डूइंग अ गुड जॉब। जनरल साहब, कुछ लोग कहते हैं कि अभी बहसें चल रही हैं और हमें बातें सुनने को मिलती, काफ़ी लोग कहते हैं कि नून लीग इस दफ़ा इलेक्शन निकाल देगी, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि इतना बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट होगा कि शायद पीटीआई जो है वो वेरी इजीली इलेक्शन जो है वो निकाल देगी, क्योंकि जो नया वोटर का इन्फ्लक्स है वोटिंग रिजर्व के अंदर, दैट विल हैव द इम्पैक्ट। नाउ आपको क्या इस कैसे लगते हैं पीटीआई के चांसेस, एंड विच रीजन्स डू यू थिंक पीटीआई स्ट्रांग रहेगी? देखिए, नंबर वन, आई एम नॉट वेरी ओल्ड इन दिस फील्ड, ठीक है, मुझे तकरीबन 4 महीने हुए हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि 5 दिसंबर आई ज्वाइन पीटीआई आफ्टर मीटिंग खान साहब, एंड आई टोल्ड हिम दैट यू आर प्रॉब्ली दी ओनली होप दैट दिस नेशन हैज़, और मैं इसलिए आया हूँ कि आई मस्ट स्ट्रेंथन यू, बिकॉज हम सब मिल के उनको स्ट्रेंथन करेंगे तो ओनली देन ही कैन यू नो बिकम समथिंग टू मेक द डिफरेंस, टू डू समथिंग।
अब जब मैं अपने एरिया में देखता हूँ लोगों को, तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला देर विल बी अ पॉजिटिव चेंज फॉर पीटीआई दिस टाइम इंशाल्लाह, बिकॉज ऑल्दो इट इज़ अ मैं को इतना आसान काम नहीं है, बिकॉज आई फील वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड, हमने मेहनत करनी है, हमने खान साहब का, हमने ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पैगाम है इस चेंज के लिए, ये घर घर पहुँचाना है, हर ख़ानदान, हर फैमिली, हर अफराद तक ये पैगाम हमारा पहुँचेगा, तो देन इंशाल्लाह दिस चेंज विल कम। लोग तंग हैं, दे वॉन्ट अ चेंज, एंड फ्रेंकली मैं तो जब अपने एरिया में फिरता हूँ तो सिंस आई एम अ न्यू फेस फॉर देम, ऑल्दो नॉट न्यू फ्रॉम अदरवाइज दे नो मी, ठीक है ना, बिकॉज बींग अ रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम द आर्मी, और अल्लाह का शुक्र है लोगों की नज़र में पाकिस्तान फ़ौज की इज्जत है, बिकॉज दे कंसिडर अस टू बी द सेवियर्स ऑफ द कंट्री, सो उस लिहाज से उनकी होप्स बहुत है, दे लुक टुवर्ड्स मी एज अ सेवियर फॉर देम सेल्फ दैट वी आर टू रेस्क्यू देम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूँ, सो आई गेट अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्राम देम, तो इंशाल्लाह थिंग्स शुड बी बेटर। जनरल साहब थैंक यू, अभी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, हमारा इंटरव्यू हम कंटिन्यू करेंगे, सी यू इन अ बिट। वेलकम बैक जी, जनरल साहब जनरल नूर हमारे साथ आज शो के अंदर हैं। जनरल साहब आप अभी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते रहे, अब मुल्क में जो है दो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी, एक है कि जी सेंटर से इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, वो ज़्यादा एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करते हैं कम कॉस्ट के ऊपर और ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज भी समटाइम्स होते हैं, लेकिन फिर एक और आइडिया है और शायद पीटीआई ने कुछ अपने हिस्ट्री के अंदर ये बार बार इसको रिविजिट भी किया कि डेवोल्यूशन की तरफ जो है गौर होना चाहिए, आपके ख्याल में इम्प्लीमेंटेशन इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या फेडरल गवर्नमेंट को अपने पावर्स गिव अवे करने पड़ेंगे, अपनी रिसोर्सेज गिव अवे करनी पड़ेंगी, आपके सामने है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कितनी देर तक नहीं हुए और उसके बाद जब हुए हैं तो वी आर नॉट श्योर कि वो उन्होंने करना गया है। देखिए अगर आपको याद हो जब ये वैसे तो देखिए हर जगह पे जो आप कह लें डेवोल्यूशन ऑफ पावर या जो बल्दियाती निज़ाम है, ठीक है ना, ये इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो लोगों के डे टू डे इश्यूज़ हैं और जो उसकी जो डेवलपमेंट की ज़रूरत है वो तो दैट कैन बी बेस्ट डन थ्रू दिस डेवोल्यूशन, और जब ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर की जब बात हुई जनरल प्रोज मुशरफ साहब के दौर में तो दे आई थिंक डिड अ वेरी गुड जॉब, जो हमारे उस टाइम के ऊपर सिलसिले हुए पीपल स्टिल रिमेंबर दैट कि बहुत अच्छे काम हुए एज फार एज गिविंग अ रिलीफ टू द पीपल वॉज कंसर्न। अब देखें सिस्टम तो अच्छा है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, प्रॉब्लम कहाँ पर हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है जहाँ पे हमारे लोगों ने अपनी अजारादारी कायम करने की कोशिश की कि भाई हमारे जो MNAs हैं MPAs हैं उनके हाथ में सारी पावर्स हैं, सो दैट इज़ वाई देवर डिलेइंग दी क्योंकि इलेक्शन ही ना होने पाए, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट हैड टू इंटरवीन कि भाई आप क्यों नहीं ये करा रहे, अंडर ड्यूरिस ही मैं कहूँगा ये इलेक्शन करवाए गए, बिल्कुल करवा दिए गए, अब देवर नॉट बीइंग गिवन एनी पावर्स, कराची में आपको पता ही जो कुछ हो रहा है, नॉ रिसोर्सेज, यस ठीक है ना, पावर्स दिए जा रहे हैं ना रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, तो अभी आके अब इमेजिन करें ना इस वक्त लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड की जा रही हैं जस्ट बिकॉज के उनको नज़र आ रहा है कि अभी इलेक्शन के लिए, और लोग बड़े एहसान कर रहे हैं कि हम भी आपके लिए काम कर रहे हैं, इतने फंड गवर्नमेंट ने दे दिए हैं, भी ये चार साल साढ़े चार साल आप लोग क्या करते रहे, एंड अल्लाह का शुक्र है लोगों में ये बेदारी भी है, दे आर रिस्पॉन्डिंग लाइक दिस टू देम, भाई इससे पहले आप क्या कर रहे थे, व्हाई नाउ अब लोग पूछना शुरू हो गए हैं। जनरल साहब आई थिंक आई एम गोइंग टू पुट यू ऑन द स्पॉट, मैं एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आपसे एंड पे पूछूंगा और ये है टू डू विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम में है इंसाफ, और हम लोगों ने इस शो में मल्टीपल हमने जो है ना दफ़ा ये कवर करनी हुई कि जुडिशल रिफॉर्म की एक मेजर रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे, इस मुल्क में 10-10 साल लग रहे हैं खाली फ्रिवलस लॉ सूट्स को साइड पे कराने के लिए, 3-3 साल लग जाते हैं छोटे छोटे केसेस जो है रिजॉल्व होते हुए, लोग जो हैं वो स्टार्ट होते हैं केस जब उनके ऊपर होता है तो उनकी जॉब होती है, उनका घर होता है, जब केस ख़त्म हुआ होता है तो वो ना उनकी ज़िंदगी होती है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंड डिस्प्यूट जो है वो ऑलमोस्ट लाइक आई गेस 100 ईयर्स के बाद जो है वो लैंड डिस्प्यूट जो है वो
پری پارٹیشن ایگزسٹ کر رہا تھا وہ لینڈ ڈسپیوٹ, اب جا کے وہ ریزالو ہوا ہے, تو یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ آپ کے خیال میں جوڈیشری کو میجر ایک اوور ہال کی بھی ضرورت ہے, اور ہمارے جو ریسورسز ہیں ہمارے جوڈیشل سسٹم میں اس کو بھی بڑھانے کی شاید ضرورت ہے. جی آئی تھنک آئی اگری وتھ یو, بیکاز واقعی بہت لمبا عرصہ چلتے ہیں ہمارے پرٹیکولر یہ جو دیوانی مقدمات ہوتے ہیں, اور اس چیز کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میرا خیال ہے اگر سنسیئر لوگ بیٹھے ہوں, پرٹیکولرلی یہ جو ہم نے بات کی نا ڈیولیوشن آف پاورس کے حوالے سے, جو مصالحتی کمیٹیاں ہوتی ہیں یا بیکاز لوکل نمائندے ہوتے ہیں وہیں کے, ایف دے آر سنسیئر ٹو دی پیپل. دیکھ پرانا ہمارا جو پنچایتی سسٹم تھا وہ نظام بہت اچھا تھا, وچ کین بی افیکٹو ایون ناؤ, وہ کیا جا سکتا. اگین ڈیولیوشن لیڈ کیا جا سکتا. بالکل صحیح. ویل تھینک یو جنرل صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ فار یور تھاٹس. آپ نے سنا ہے کہ جنرل صاحب جنرل نور حسین صاحب نے اپنے کچھ خیالات کا اظہار کیا, ہمیں بتایا کہ اب یہ جب پولیٹیکل ارینا میں آئے ہیں تو ان کے کیا گولز ہوں گے, یہ کیا اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی تھنک کہ ہمیں ایک پیٹرن نظر آتی ہے کہ نو بڑی ڈس اگریز کہ ہمیں ایک ڈیوالوڈ سسٹم کی طرف جانا چاہیے. جو بیسکس ہیں وہ یہی ہیں کہ کاسٹ آف بزنس کم کریں, جوڈیشل ریفارم انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیپیسٹی بنے ہماری جوڈیشری کی اور ہمارے لیگل سسٹم کی کہ ڈسپیوٹس کو ریزالو کر سکیں ہم ٹائم سے اور کم قیمت سے. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں جنرل صاحب کے لیے تو آپ ہمیں وہ سوالات بھیج سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0333-0588-885. اس کے علاوہ آپ ہمیں سوالات ٹویٹر پہ ٹیگ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں @PrimeInstitute. فالو اس آن فیس بک, ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے, اس پہ آپ کو پرانی لبرٹی چوک کی بھی ایپیسوڈز اویلیبل ہوں گی. آئی ہوپ کہ لاٹ آف یو ہیو لرنڈ سم ویلیوبل تھنگس اینڈ فرام دس انٹرویو, اینڈ آئی ہوپ کہ اس طرح کے ہم اور انٹرویوز کر سکیں اور دوسرے پالیٹیشینس کو بھی ہم اسکروٹنائز کر سکیں کہ ایگزیکٹلی آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, اینڈ ہاؤ ول یو گو اباؤٹ ڈوئنگ اٹ, بیکاز دیٹ از آلسو امپورٹنٹ. سو ود دیٹ سیٹ میں ہوں سید علی, اور تھینک یو فار جوائننگ اس, اینڈ آئی ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ ہمیں جوائن کریں گے لبرٹی چوک پر. اللہ حافظ اینڈ گڈ لک.